जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। मैं आप सबकी बहन आरती घोसी, आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार का एक सबसे बड़ा मतलब बहुत बड़ा बयान आया सामने, जिसमें कहा गया कि माला और भाला हाथ में रहने जरूरी है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र पे जो पत्थर फेंके गए हैं मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने के बोलने के बावजूद भी रामनवमी के दिन मतलब बहुत सारी जगहों पे पत्थर फेंके गए। आप सब न्यूज में देखा होगा, तो हमें पहले नहीं पता था लेकिन हमें आज ही पता चला, तो हमने सोचा कि चलो आज आप सबके लिए वीडियो बना दें। हमें कैसे पता चला, बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित दीनंद कृष्ण शास्त्री जी जबलपुर की श्री भागवत कथा समापन करके दमोह आए थे, मध्य प्रदेश दमोह आए थे आए थे। अब भैया हमें याद आ गए कि एक भैया ने हमसे बोली है कि आप बुंदेलखंडी में वीडियो बनाते, अब तक हम भूल गए थे लेकिन अब हम बुंदेलखंडी में बता रहे हैं। ऐसे भैया को भैया ने बोली है कि आपकी बुंदेलखंडी अच्छी लगा था, ठीक है हम बुंदेलखंडी में बना रहे वीडियो उन भैया की वजह से। भैया ने बोली है आप लोग अपनी बहन के लाने तो सपोर्ट करोगे, तो आप लोग जो बोलोगे जैसे बोलोगे हम वैसे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो हम आपको बता दें, बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए थे दमोह। तो दमोह में जगन्नाथ धाम है, आप सबने सुने हुए, बांदकपुर के नाम से प्रसिद्ध हैं, बांदकपुर के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कहीं भी अपना नाम सुनोगे तो बोलते हैं, कहूँ भी जाना जैसे मतलब कहूँ से भी अगर कोई बोले है तो कहाँ बोलते हैं कि बांदकपुर जाना, तो बांदकपुर के नाम से प्रसिद्ध है जगन्नाथ मंदिर बनो है। तो उतने उन्होंने आए, उन्होंने पूजा पाठ करी और उतने दमोह में एक बहुत बड़ा बस स्टैंड बनवे जा रहा है, जो कि बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भूमि पूजा करी है और वहाँ पे बहुत मतलब वो संबोधित भी करो है कि मतलब चर्चाएं भी बहुत सारे लोगों ने करी हैं, जो कि उन्होंने जवाब दाए हैं, सवाल पूछे गुरुदेव से और उन्होंने कुछ बहुत सारे लोगों को लाने जवाब भी दाए हैं। तो जवाब मतलब सवाल कहाँ है, जो सवाल बताएं दे रहे हैं आप सब, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। जो उन भैया दीदी ने हर करो नहीं है तो वो चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, तो भैया कर ही रही हुई है अपनी बहन के लाने, इतना सपोर्ट तो कर ही सका तो है ना, कौन से पैसा लग रहा है ना। तो चलो ठीक है, वीडियो बढ़ा आगे। बागेश्वर धाम सरकार से पूछी गई है कि उनसे पूछी गई है कि मतलब जो हिंदू राष्ट्र बनावे के लाने आप कितों का कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने कही कि हम जितना हम पे हो रहा है सो हम कर रहे हैं, आप सबको साथ ही जाने हिंदू भाई बहनों को सब किलाने एक करने हैं। लेकिन जो रामनवमी के दिन है जैसे कि गुजरात में हावड़ा में ऐसी बहुत से बड़ी बड़ी जगहों पे, हाँ बेटा हमें नहीं पता कहाँ है, देख ले हम तो ये मोड़ी के मारे वीडियो नहीं बना पा जे कहाँ है वो कहाँ है, स्लीपर पहन लो सैंडल पहन लो जूता, हमें नहीं है पता कहाँ है। चलो ठीक, वीडियो में बढ़ा आगे। वो उन्हें कही है कि जो रामनवमी में पत्थर फेंके गए हैं ऐसी बहुत सी जगहों पे, लेकिन अब की बार ऐसा न हो चाहिए भैया, सब हिंदू भैया बिना हो को जगो चाहिए, इतनी बात कर रहे इतने कहवे के बावजूद भी नहीं जग रहा है हिंदू भैया आ रहे, तो उनके लाने का करो चाहिए एक माला और एक भाला जरूरी है। अगर माला से काम नहीं चल रहा है तो भाला अपनी सुरक्षा के लाने रखवो जरूरी है भैया। हम नहीं कह रहे अपने लाने, अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, हम ना फेक वीडियो बना रहे ना फेक कछु कर रहे, आप सब गूगल पे या न्यूज पे आई रही हुई है मतलब न्यूज चैनल पे कैसे जहाँ गुरुदेव जाते बागेश्वर धाम सरकार होते की न्यूज आते रहते, लाइव न्यूज आते रहते, हर कछु पे आते रहते। तो दीदी भैया रो हम झूठ नहीं बोल रहे, कैसे दीदी भैया रो बहुत सारे हमें कमेंट करके बोला थे कि आरती आप गलत वीडियो बनाते हो, वहाँ जवाब है कि हम मानते हैं कि भैया हमारी गलती है कि कैसे हम पे वीडियो अच्छे से बनाते नहीं बनाते हैं, आप सब देख ही रहे हो कि हमारी बिटिया रानी को परेशान कर रहे हैं, कोई परेशान कर रहा है तो हम अच्छे से वीडियो नहीं बना पाते हैं, कैसे इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, हमने कहूँ पहले वीडियो नहीं बनाए पहले, हाओ बेटा तो हमने ऐसे पहले वीडियो नहीं बनाए, हाओ अभी लगा रहे मैंसी दीदी भाई बिन्ना रानी और बिटिया रानी और बहुत परेशान कर रही हैं, इनका जो करो वो करो, तो वीडियो में जानकारी जो दे पाते जैसी तो हमारे वीडियो खराब हो जाते हैं। आपको सबको पता ही है कि ससुराल को मामलो है भैया, ससुराल में रह रहे हैं तो ससुराल में कितनी कायदा मर्यादा रेत है, और वैसे भी कोई ज़्यादा कोई के सामने से मोबाइल चला नहीं पाते, फिर भी हमारे पतिदेव सपोर्ट करते हैं, कोई सपोर्ट करे नहीं करे लेकिन अपने पतिदेव के लाने सबकी दीदी भैया दीदियों के लाए पतिदेव सपोर्ट करें और भैया हर की पत्नी सपोर्ट करें तो बहुत कछु कर सकते हैं अपने जीवन में।
तो भैया हर एक पति पत्नी को एक दूसरे को साथ बहुत जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी पत्नी को साथ दें, अपने पति को साथ दें, जो भी काम कर रहे हैं उनमें साथ दें। मैं कैसे एक के मतलब अगर एक हाथ से ताली नहीं बजाई जाती है, दोनों हाथों को मिलाएं तभी ताली बजती है। तो भैया दोनों अपने मतलब जीवन की गृहस्थी में दोनों सहयोग दें। तो भैया हमारे पतिदेव की आपको बताई थी हमने कि हमारे पतिदेव की नौकरी छूट गई है, तो इसकी वजह से हम इतनी परेशानियों के बावजूद हम वीडियो बनाते रहते हैं। इतने सबजनों के सपोर्ट के लाने हम इतने तड़पत हैं, सब लोगों को साथ चाहिए हमारे लाने कि भैया आप दीदी भैया और हमें सपोर्ट करो। हम पे बहुत बड़ी मुसीबतों को पहाड़ टूटो है, जो कि हम कोई से बतावे से कम थोड़ी हुई है कि नहीं। कोई से आपको ये बोल दें कि भैया हमें जो दिक्कत परेशानी है या हमें जो बीमारी है या कछु भी परेशानी है तो वो कम थोड़ी हुई है ना। लेकिन आप औरों से यही विनती करा थे कि आप और अपनी बहन के लाने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और आगे की जानकारी बागेश्वर धाम सरकार की हम तो आपके लाने अगले वीडियो में दे हैं। ऐसे हमारी दिक्कत ये हो जाए हम अगर वीडियो हम पूरी जानकारी तो ये वीडियो में दे दे, लेकिन हमारा वीडियो अपलोड नहीं हुई है, नेट की दिक्कत है भैया, थे नेटवर्क से सेवा है बहुत कमजोर है, पहाड़ी इलाका है की वजह से बहुत कम चला थे, इसकी वजह से हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पा। चलो वीडियो में जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और अपनी बहन को चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबा दीजिए और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिए। मिलने अगले वीडियो में, तब तक लाने जय श्री राम।